राजेश से आप बने सर्किल इंस्पेक्टर, गुलाब सिंह सब इंस्पेक्टर बने। डबीराठाल पंचायत में भ्रष्टाचार की शिकायत, कलेक्टर से मिले गांव के प्रतिनिधि। विद्यार्थी मित्रों ने किया प्रदर्शन, कहा अच्छे दिन आ गए, मोदी रोटी खा गए। समायोजन की पाठ जो रही मजदूर, वेतन और बोनस के लिए भी तरसे। अब समाचार विस्तार से। लंबे अरसे तक सदा थाना प्रभारी रहे राजेश सियाग अब सर्किल इंस्पेक्टर बन गए, यानी उनके कंधों पर अब 3 स्टार लग गया है। वहीं हेड कांस्टेबल गुलाब सिंह को एक साथ 2 स्टार लगे हैं। एसपी यादव फासल और एएसपी निर्मला बिश्नोई ने स्टार लगाए। एसपी कार्यालय पहुंचे सदर थाना के पूर्व इंचार्ज राजेश सियाग, जब बाहर आए तो उनके कंधों पर 3 स्टार था, जबकि जब अंदर दाखिल हुए तो महज 2 स्टार के साथ। एसपी यादराम फांसल और एडिशनल एसपी निर्मला बिश्नोई ने स्टार लगाया। पदोन्नति पर प्रफुल्लित राजेश सियाग और गुलाब सिंह ने कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ी है, इसलिए निष्पक्ष तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। पदोन्नत होने पर नई जिम्मेदारी मिलेगी, उसमें नए सिरे से लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। निष्पक्ष सेवा करना, लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना प्राथमिकता रहेगी। शिष्टा नई जिम्मेवारी मिली है, नई जिम्मेवारी में जो जिम्मेवारी है उसको और ज़्यादा खूबसूरती से निभाने के लिए, अच्छे तरीके से काम करने की जिम्मेवारी है, उसको खूबसूरत विभाग के लिए समर्पित होते हुए अदा करूँगा। गांव लबीराठान पंचायत के सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने बाढ़ संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत के नेतृत्व में माफा नेता रघुवीर वर्मा आदि ने कलेक्टर से मुलाकात कर धांधली की जांच करवाने की मांग की। कलेक्टर ने भी पीडब्ल्यूडी के एक्शन से जांच करवाने का भरोसा दिलाया है। कलेक्टर से मिलने पहुंचे माकपा के जिला सचिव रघुवीर वर्मा, सुनील शर्मा और बाकी ग्रामीण। सबके सब बारसंघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत के नेतृत्व में कलेक्टर को व्यथा बताई। सबके सब ने पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत के नेतृत्व में कलेक्टर को व्यथा बताई। उनका कहना था कि सरपंच ने 1 करोड़ के बजट को खुटबोट किया है, इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए। ग्रामीणों ने कहा कि बजट का उपयोग नहीं होता, लेकिन पैसे खुटबोट किए जाते हैं। डबली गांव के अंदर लगातार भ्रष्टाचार की 500 सैकड़ों शिकायतें आने के बाद एक शिकायत अभी हो रही है। 1 करोड़ का बजट जो कि पंचायत जिला परिषद ने जारी किया, उसका एक भी पैसा वहां डबली में नहीं लगा, न सड़क बनी, न नाली बनी, खड़गंजे बने, कुछ भी नहीं बना। वो सारा पैसा कहां गया ये किसी को पता नहीं। हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया, कलेक्टर साहब ने उस एप्लीकेशन को सतर्कता में रखा है और उन्होंने पीडब्ल्यूडी एक्शन से उसकी जांच करवाने का हमें आश्वासन दिया है। हमारे निवेदन कलेक्टर साहब से ये था कि इसमें अगर ये सच्चाई है और सच है तो उस सरपंच के खिलाफ FIR दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाए। अच्छे दिन आ गए और मोदी रोटी खा गए, जी हाँ यह नारा दिया है विद्यार्थी मित्रों ने। पंचायत सहायक भर्ती में भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए उन्होंने जिला परिषद के सामने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला परिषद के सामने प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थी मित्रों का गुस्सा देखते ही बन रहा था। उनका कहना था कि रावसर में पंचायत सहायकों की भर्ती में जमकर धांधली बरती गई। अधिकारियों ने भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया, इससे अभ्यर्थियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। साथ ये ज्वाइनिंग के अंदर धांधली हुई है, भाई भतीजा विवाद चला है और हमारा जो भी मतलब अनुभव को कहीं कहीं दरकरार किया गया है, कहीं पे सारे जिलों में अनुभव को माना गया पर हमारे यहाँ रावत सर के अंदर दरकरार किया गया है। यदि सीएम साहब ने हमारे लिए इतना बड़ा कष्ट उठाया, उन्होंने हमारे लिए भर्ती है और पीओ साहब ने क्यों हमारे लिए भाई भतीजा का विवाद लगा के हमारे विद्यार्थी मित्रों को नहीं लगाया गया और अन्य को क्यों लगाया गया, इसलिए हम चाहते हैं जिन अन्य को ज्वाइनिंग देने जा रही है सब कलेक्टर महोदय साहब या कोई भी है मतलब एक्सपायर्ड वो दे रहे हैं, तो वो इस ज्वाइनिंग को जल्दी से जल्दी रोका जाए। हमारी कोई आंदोलन का रूप लेंगे तो और क्या, हमारे पास और तो कुछ है नहीं सर। विद्यार्थी मित्रों ने कहा कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। बड़ी उम्मीद थी कि अब सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन हो गया बिल्कुल उल्टा। अनुभव को प्राथमिकता नहीं देकर अधिकारियों ने मनमर्जी का परिचय दिया।
ने विद्यार्थी मित्रों के साथ धोखा किया है, उनके साथ अधिकारियों ने मिलकर भी विद्यार्थी मित्रों की रोजी रोटी सब मिलकर खा गए। विद्यार्थी मित्रों को इस भर्ती भी विद्यार्थी मित्रों के लिए निकली थी, लेकिन पीओ ने मनमानी करके यहाँ पोस्ट कर दिया और उसके बाद विद्यार्थी मित्रों को जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसलिए हमें इन जो वंचित रहे विद्यार्थी मित्रों को लिस्ट में शामिल किया जाए और लिस्ट को रोक दिया जाए। ये डीओ और सीओ से हमारी गुजारिश है हाथ जोड़कर कि विद्यार्थी मित्रों का सिलेक्ट किया जाए, उसके बाद सभी विद्यार्थी मित्रों को एक साथ ज्वाइन दिया जाए। जमा करवा दिए थे वहाँ पर, उन्होंने अपने चहेतों का भाई भतीजावाद चलाने के लिए क्या उन्होंने पहले देख लिया। 20 विद्यार्थी मित्र का अनुभव भी ज्यादा है और इसके बारे में अंक भी ज्यादा है, तो उन्होंने अपना एक स्लेब बनाया भी हम अंक 12वें अंक को कम जोड़ेंगे, अनुभव का अंक कम जोड़ेंगे, इसको कंप्यूटर का या उसे कोई अन्य लाभ कौन सा लाभ दें, तो ये विद्यार्थी मित्र नीचे रह जाए और अपने चहेतों को लाभ देने के लिए ऐसा कोई अनुभव करके वो भी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया था, उन्हीं को सत्य मान करके और विद्यार्थी मित्रों को पीछे रखा गया और अपने भाई भतीजावाद के राजनीतिक दबाव में और यहाँ तक कि जो उस पंचायत समिति से बाहर है उसके भी अंक काटे गए थे, जबकि ये कोई नियम नहीं था। चाहे हनुमानगढ़ जिले का निवासी होना चाहिए, पंचायत समिति चाहे उसकी कौन सी भी हो, लेकिन उन्होंने अपने चहेतों को लगाने के लिए पंचायत समिति के भी अंक काटे हैं, काट दिए, ग्राम पंचायत है उसको अंक ज्यादा दिए गए, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं था। हनुमानगढ़ में थी जिसके अंदर 80 या 85 विद्यार्थी मित्रों का सिलेक्ट हुआ है और विद्यार्थी मित्र यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो तपती धूप में सब परेशान है। इन अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से सिलेक्ट किया है, अनुभव को कोई तरजीह नहीं दी गई, न कोई अहमियत दिया गया और अच्छी तरह उसके अंदर लिखा हुआ है विज्ञप्ति के अंदर कि अनुभव को अहमियत दी जाए और विद्यार्थी मित्रों के लिए ही ये पंचायत सहायक भर्ती निकाली गई थी, लेकिन इनकी मनमर्जी से पूरा घोटाला हुआ है पूरे, और उम्र का कोई जोड़ नहीं है, 60 साल तक भर सकता है, लेकिन इनकी मनमर्जी से, अधिकारियों की मनमर्जी से विद्यार्थी मित्र आज वंचित है। और स्पिनिंग मिल अब धीरे धीरे लोगों के दिलों दिमाग से हटने लगी है, शायद कहीं पर इस मसले को लेकर चर्चा होती नजर आती है, जबकि मजदूरों को आज तक वेतन और बोनस का भुगतान नहीं हुआ, फिर समायोजन तो दूर की बात। ऐसे में मजदूरों ने सोमवार को एसडीएम सुरेंद्र पुरोहित से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। यह है स्पिनिंग मिल के मजदूर। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित स्पिनफेड श्रमिक संघ के बैनर तले एसडीएम से मिलने पहुंचे महावीर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में मजदूरों ने कहा कि 1 जुलाई से मिल पर तालाबंदी का आदेश आ चुका है, जबकि इससे पूर्व सभी तरह के भुगतान हो जाने चाहिए तथा समायोजन की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आलम यह है कि श्रमिकों का बकाया वेतन और बोनस का भुगतान भी नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि अगर शीघ्र समाधान नहीं होता तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। श्रमिकों के समायोजन की मांग लेकर जिला कलेक्टर महोदय से मिले थे, क्योंकि ये मिल है जो 31 जुलाई को क्लोज होने जा रही है। हम चाहते हैं कि क्लोज होने से पहले पहले हमारा जो बकाया वेतन है, जो भी बकाया बोनस है और समायोजन की प्रक्रिया है, वो क्लोज होने से पहले पहले पूरी हो जाए। इसी मांग को लेकर हम जिला कलेक्टर महोदय से मिले थे। उन्होंने कहा है कि क्लोज होने से पहले पहले आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, आपके अन्य विभागों में समायोजन कर दिया जाएगा। लोकराज संगठन राजस्थान इकाई द्वारा 1857 स्वतंत्रता संग्राम की 107वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसके तहत विचार गोष्ठी का आयोजन टाउन में हुआ। इसमें वक्ताओं ने आज के युग में युवाओं को सही दिशा की ओर ले जाने पर चर्चा की। शताब्दी वर्ष के तहत संगठन द्वारा हिंदुस्तानी राज्य की पूंजीवादी वर्ग चरित्र में लोगों को सत्ता मिलाना एक चुनौती विषय पर चर्चा की गयी। किलो मंडी में बिकते हैं, लेकिन वही जब चिप्स बन जाते हैं तो 200 रुपए किलो बिकते हैं। किसान उगाता तो है, लेकिन उसको अपनी मर्जी से कीमत लगाने का हक नहीं है। सरसों का समर्थन मूल्य दिया जाता है, लेकिन खरीदने की व्यवस्था ही नहीं होती। ये है हमारी सरकारें। यदि हम महिलाओं की बात देखते हैं, सुरक्षा ही नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी के बारे में सोचता है कि यदि वो बाहर जाएगी, शाम तक घर में नहीं आती है, तो क्या वो सुरक्षित वापस आ जाएगी? ऐसे भारत में हम रहते हैं, व्यवस्थाओं में बट गए। एक है इंडिया, जहां पर अभी जो बात चल रही थी बुलेट ट्रेन है, होगी
एक्सप्रेस हाईवे होंगे, जहां पर बड़ी बड़ी निजी शिक्षण संस्थाएं होंगी, लेकिन दूसरी तरफ हम उस भारत में रहते हैं जहां पर किसी के पास खाने के लिए 2 जून की रोटी भी नहीं है। इसके बारे में समझना चाहिए, और अगर इसके बारे में समझना है उसका चाबी 1857 में है, और उसके बाद और जो संघर्ष हुआ हिंदुस्तान में उसमें है, तो इसके पीढ़ी और आने वाले पीढ़ियों के हाथ में है। हम उनको लीडरशिप देते हैं, दे सकते हैं, हमको हम उनको गाइड कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के नौजवानों को कैसे प्रेरित करना, कैसे उनके बीच में उत्साह देना, वो हमारे सामने एक चुनौती है। और उसके बारे में बात रखने के लिए वो क्या उसका महत्व क्या था, उससे हम क्या सीखने वाले हैं, इसके बारे में ये मीटिंग हुआ। और फिर आज की मौजूदा स्थिति में क्या करना है, कैसे संगठन को बनाना है, कैसे बढ़ाना है, और कैसे हमारे संघर्ष को आगे ले जाना है, नौजवानों युवाओं को कैसे संगठित करना है, और आज के जो राजनीतिक प्रक्रिया और चुनावी प्रक्रिया में क्या क्या हम सुधार ले आ सकते हैं, क्योंकि वो फिर लोगों के हित में होगा और लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनका सशक्तिकरण होगा, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल के लिए हम कैसे काम करेंगे इसके बारे में। गांव मलकोबा के लोगों को पिछले 3 महीने से राशन नहीं मिल रहा, लिहाजा वे परेशान हैं। आधिकार में डीएसओ से मिले हनुमानगढ़ पहुंचे, उन्होंने आरोप लगाया कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत नाम कटने से उन्हें अब राशन सुविधा से वंचित किया जा रहा है। डीएसओ से मिलने पहुंचे मलकोका के ये लोग व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने आनन फानन कानून बनाकर उन्हें राशन सुविधाओं से वंचित कर दिया, इससे उनके सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई, कहीं पर भी सुनवाई नहीं होती। ऐसे में डीएसओ से मिलने पहुंचे हैं। जैस करके आए भी सानू राशन नहीं मिलता, भी साड़ी राशन पानी आता भी इतना साढ़े कार्ड से नहीं चढ़ाते जी जी, भी उमें कट लेंगे बिच ही रख जाते। असं यह कहना चाहते भी सानू राशन होना चाहिए, 6 महीने का राशन होता, 3 महीने का तो सानू चढ़ाता कार्ड दे, 3 महीने का बिच ही लापता करके अधिकारी के जो विभाग में गेहूँ मिल रहा था ना, वो बंद हो गया है। 3 महीनों से चक्कर लगा रहे हैं, 4 महीनों से जो नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म दिए थे वो जुड़े थे नहीं, उल्टा कट के जो पहले मिलते थे कणक जी जी गेहूँ मिलता था ना वही कट गया, मेरा आपका खुद का नाम था वही कट गया सर। अच्छा, BPL हम तो देते वही कट गए लोगों के। नहीं रसद अधिकारी से मिले क्या मिले साहब, हम तो 3 महीनों से मिल रहे हैं, कलेक्टर साहब को दे दिया, SDM साहब को दे दिया, सब एप्लीकेशन 2-3 बार दे चुके हैं। क्या कहते हैं कब क्या कहते हैं वो, राज्य सरकार ने काट दिया, अब 9 तारीख को जोड़ेंगे 6 महीने को, 6 तारीख को जोड़ेंगे, पहले 3 महीने का सर वो लैप्स हो गया सबका। सेल्टेक्स विभाग की कार्रवाई को धत्ता दिखाते हुए ट्रक चालकों ने रातों रात माल को खुदबुद कर दिया। मामला टाउन थाना का है। बताया गया कि 13 मई को सेल्टेक्स विभाग ने 2 ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई की थी। सेल्टेक्स विभाग द्वारा श्रीगंगानगर विराट कार्गो ट्रांसपोर्ट से आ रहे 2 ट्रकों को माल सहित पकड़ा था। इसके बाद सेल्टेक्स विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन के लिए ट्रकों को चालक की अभिरक्षा में रुकवाया गया। ASI जसकरण सिंह ने बताया कि चालकों द्वारा कर भवन से ट्रकों को बाहर ले जाकर माल खुर्द-बुर्द कर दिया गया। वाणिज्य कर अधिकारी भीम सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस जाँच में जुटी है। सेल्टेक्स के रविशंकर ने मामले को लेकर जानकारी दी। तो विराट कार्गो ट्रांसपोर्ट कंपनी श्रीगंगानगर से 2 गाड़ियां डिटेन की गई थी कर वंचना के संदेह में, संगरिया से की थी, बाद में उनको वाणिज्य कर विभाग हनुमानगढ़ टाउन के अंदर उनको निरुद्ध कर दिया गया था और नियमानुसार उसमें कागजी कार्रवाई सारी कर दी गई। उसके बाद 19 तारीख को इसका भौतिक सत्यापन करके सूची तैयार कर ली गई और बाद में गाड़ियों को वहाँ उसी की अभिरक्षा में ही, मालिक की अभिरक्षा में ही जो हमने छोड़ दिया। रात्रि में क्या हुआ, इन्होंने मौका पा करके और गाड़ियों का जो सामान था वो खुर्द-बुर्द कर दिया और खाली गाड़ियां जी वो यहाँ पे छोड़कर चले गए। तो उसके बाद हमने ये FIR दर्ज कराई हनुमानगढ़ टाउन थाने के अंदर और माल से तो उन्होंने कवर किया था, जो 13 तारीख को उन्होंने कवर किया था और जिनको माल से तो ट्रक ड्राइवरों की
सुपुर्दगी में कर भवन के परिसर में खड़ा किया गया था और जिनके सामान का भौतिक सत्यापन मालिकों विराट कार्गो का सामान था मालिकों की उपस्थिति में किया जाना था। एक ट्रक का भौतिक सत्यापन मालिकों ने करवा दिया था 19 तारीख को और दूसरे का देर रात्रि होने के कारण नहीं हो सका और 19 तारीख की रात्रि को आरोपीगण ने मिलीभगत करके ट्रकों को कर भवन से बाहर ले जाकर और सामान को निकाल कर ट्रक वापस खड़ा करके जिसके संबंध में धारा 407 120 भी आईपीसी में मुकदमा नंबर 320/17 दर्ज कर विश्व हिंदू परिषद बजरंगल के शौर्य प्रशिक्षण वर्ग का समापन रविवार को हुआ। समापन अवसर पर स्वयंसेवकों ने शौर्य प्रदर्शन किया। शिविर में करीबन 200 स्वयंसेवकों ने परीक्षण प्राप्त किया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के शौर्य प्रशिक्षण वर्ग का समापन रविवार को हुआ। समापन अवसर पर स्वयंसेवकों ने 7 दिवसीय शिविर में सिखाए गए युद्ध कौशल और आत्मरक्षा के गुरों का प्रदर्शन किया जिसे देख सब हैरान थे। स्वयंसेवकों ने एक के बाद एक शौर्य प्रदर्शन किया। राजकीय एनएमपीसी कॉलेज में स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 17 मेधावी बालिकाओं को स्कूटियों का वितरण किया गया। भाजपा नेता अमित शाह सभापति राजकुमार हिसारिया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कूटी वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके तहत 12वीं कक्षा में 70% से अधिक अंक हासिल करने वाले छात्राओं को स्कूटियों का वितरण किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में प्रत्येक जिले में 50 स्कूटी वितरण का लक्ष्य रखा गया है। राजकीय एनएमपीसी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में 17 बालिकाओं को स्कूटियां वितरित की गई। इस अवसर पर स्कूटी वितरण कार्यक्रम के नोडल प्रभारी डॉक्टर विनोद जांगीर ने योजनाओं को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए बालिकाओं का 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक सरकारी स्कूलों में पढ़ना जरूरी है। भाजपा सरकार द्वारा 2015-16 में मुख्य रूप से प्रथम बार हमारे पूरे राज्य में प्रारंभ की गई और पूरे राज्य में हमारे राज्य के पूरे 33 जिलों में प्रत्येक जिले में 50 स्कूटियां मैक्सिमम आवंटित की जाएगी। इस हिसाब से 33 जिलों के हिसाब से देखा जाए तो 1650 स्कूटियां हर साल सरकार आवंटित करती है। 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक सरकारी विद्यालय में स्टडी होनी चाहिए, वो भी रेगुलर थम थम के नहीं, उसमें किसी भी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होता है तो भी वो डिजर्व नहीं करती। भाजपा नेता अमित साहू ने योजना से लाभान्वित बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की नसीहत दी। इसके साथ ही उन्होंने यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की नसीहत भी दी। 12th क्लास के अंदर 80% मार्क्स हासिल किए हैं और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इस मेधावी छात्र स्कूटी की जो योजना है इसके अंदर मेरा नाम आया है। उनमें जो पात्रता की शर्तें थी वो कि छात्रा 9वीं से 12वीं तक राजकीय विद्यालय में लगातार अध्ययनरत होनी चाहिए, साथ ही उसको राजकीय महाविद्यालय में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हो, इसमें किसी भी प्रकार का अंतराल या गैप नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुई। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।